जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने कोटा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काला झंडा दिखाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने यात्री गाड़ी और ऐतिहासिक स्टेशनों के स्टॉपेज को बंद किए जाने को लेकर प्रदर्शन भी किया। केशरवानी ने बताया, केंद्र सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ जनता को प्रताड़ित कर रही है। गाड़ियों को बंद कर केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हम झुकने वाले नहीं हैं, अधिकार हमारा है, हासिल करके रहेंगे। हमने आज काला झंडा दिखाकर आक्रोश जाहिर किया है। बिलासपुर रेलवे जोन और छत्तीसगढ़ में ट्रेन परिचालन को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेल मंत्री, रेलवे प्रशासन यहां की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जहां 100-100 साल से ट्रेनों का स्टॉपेज था, उन ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद कर दिया गया। लगातार जहां ट्रेनों का परिचालन चल रहा था, हमेशा दूसरे प्रदेशों में लगातार ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। और हम लोग पहले लगातार सारे रेलवे स्टेशनों में धरना आंदोलन प्रदर्शन किए, क्षेत्रीय जनता के साथ किए, लगातार जो व्यापार, छोटे व्यापार थे, व्यापारी थे, नौजवान थे, रोजगार थे, छात्र थे, युवा नौजवान पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। और अब तो अब इस तीज त्योहार में भाई अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पा रही हैं, तीजा में लोग अपने मायके नहीं जा पा रहे हैं, और नवरात्रि का पर्व है, लोगों को दूर दूर तक जो है देवी दर्शन के लिए जाना पड़ता है। आज छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर बिलासपुर जनता, अपने आप को छला महसूस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नौ सांसद अपने घर में छुपे हुए हैं, उनको हम लोगों ने गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगवाए हैं, उनको यहाँ की जनता ने जिताया है। क्यों नहीं वो जाके भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद है, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते? क्यों आखिर छत्तीसगढ़ में सिर्फ ट्रेनों का परिचालन और स्टॉपेज बंद हुआ है? आज हम केंद्रीय मंत्री का सांकेतिक रूप से काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो यहाँ आए हैं और यहाँ के रेलवे प्रशासन को दबाव बनाए कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता के साथ जिस तरीके से दोहरी मार, एक तो कोरोना के बाद अभी उभरने की कोशिश कर रही है, और पुनः उनकी रोजी रोटी छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको बंद कर दिया।